सबको जय यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में। प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर क्रिस्तिया जीवन बिताने की कृपा के लिए, कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की पहली तारीख है, एक नए महीने में हम लोग आज के दिन में प्रवेश करते हैं। और आज के दिन की विशेषता यह है, कलिसिया आज के दिन में सब संतों का महोत्सव मनाती है। साल भर हम लोग अलग अलग संतों का पर्व मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे संत हैं जिनका पर्व हम लोग साल भर नहीं मनाते, लेकिन आज के दिन में कलीसिया सभी संतों का महोत्सव मनाते हैं। संत बनना इतना आसान नहीं है। संत बनने के लिए संतों की जीवनी पढ़ने से हमें पता चलता है कितना उन्होंने त्याग तपस्या किया, कितना बलिदान अर्पित किया प्रभु की सेवा के लिए, कैसे अपने जीवन को निछावर कर दिया, अपने जीवन को उसने अर्पित करते बलि चढ़ाया। और इन सभी बातों पर ध्यान करते हुए हम समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए, कलीसिया के विकास करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए उन सभी संतों को आज के दिन में याद करते हैं, उन संतों की मध्यस्थता मांगते हैं, क्योंकि संतगण निरंतर स्वर्ग में हम सबों के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम सबों के अपने अपने संरक्षण संत हैं, उसके अतिरिक्त सभी संतगण हम सभी लोगों के लिए निरंतर विनती प्रार्थना करते हैं। इसलिए कलीसिया ने हमें सिखाया संतों की मध्यस्थता मांगने के लिए। आज के दिन में सभी संतों का पर्व मनाते हुए, संतों की मध्यस्थ मांगते हुए हम सभी आज के इस महान पर्व को, संतों के महोत्सव को हम सभी मनाएं। इसलिए आज के दिन में सबसे पहले मनन चिंतन करने के लिए विषय यह है, संत कौन है। संत एक साधारण व्यक्ति जो प्रभु यीशु की शिक्षा और इच्छा स्वीकार करते हुए मानव सेवा के साथ त्याग तपस्या का जीवन जीते हैं, वो है संत। कोई संत पैदा नहीं होता, कोई शैतान पैदा नहीं होता, हम लोग बनते हैं। इसलिए संत साधारण लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन वो कैसे संत बने, वो प्रभु की शिक्षा और प्रभु की इच्छा स्वीकार करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए, अपने जीवन निछावर करते हुए मानवीय सेवा के साथ त्याग तपस्या का जीवन जीते हुए वो संत बने। संत गणों ने मानव तथा जीव जंतुओं के लिए दया, प्रेम, नम्रता, करुणा आदि भाव मन में रखते हुए पवित्रता का जीवन जिया, साथ ही साथ ईश्वर का दर्शन पाने के लिए हर प्रकार के मोह माया एवं स्वार्थ को त्याग कर मानव सेवा हेतु अपने को दीनहीन बना लिया। इस प्रकार से संतों ने हर प्रकार का प्रयास किया प्रभु के वचनों को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए, प्रभु का जीवन पूर्ण रूप से जीने के लिए, और इस प्रकार से दुनिया की चीजों को दूर रखते हुए, मोह माया को दूर रखते हुए, उस बलिदान के जीवन को जीते हुए, प्रार्थना का जीवन को जीते हुए वो संत बने हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों को बताता है संत गण स्वर्ग राज्य कैसे प्रवेश करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है। मुख्य बातें प्रभु ने हम सबों के सम्मुख आज के दिन में रखी हैं। ईसा या विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए, और उनके शिष्य उनके पास आए, और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। प्रभु ने अपने शिष्यों को इस प्रकार से शिक्षित किया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो विनम्र है, विनीत है, दीनहीन है, प्रभु से निरंतर सीखने की तमन्ना रखते हैं, प्रभु का जीवन को ग्रहण करते हैं और उस शिक्षा के अनुसार चलते हैं, वो दीनहीन है, वह स्वर्ग राज्य प्राप्त करेंगे। धन्य है वे जो नम्र है,
जो नम्र होते हैं वो प्रतिज्ञा देश प्राप्त करेंगे। प्रतिज्ञा देश फिर एक बार स्वर्ग है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया, शोक किया, अपने पापों को कबूल किया, स्वीकार किया, उन्हें सांत्वना मिलेगी, स्वर्ग या सुख उन्हें मिलेगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, जो धार्मिकता के भूखे प्यासे रहते हुए धार्मिकता का जीवन बिताया, उन सबों के लिए स्वर्ग या सुख का पुरस्कार मिलता है। वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी, जिन्होंने दया दिखाई, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताया, क्षमा किया, दया दिखाई, उन सबों को प्रभु की दया प्राप्त हुई और वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाते हैं। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन निर्मल है, दिल निर्मल है, हृदय निर्मल है, जिनका जीवन निर्मल है, पवित्र है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, स्वर्गीय सुख प्राप्त करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, जो जहां पर विभाजन है, बंटवारा, वहां पर मेल कराते हैं, क्षमा देना, क्षमा लेना, ऐसा कार्य कराते हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। बहुत सारे संतों ने धार्मिकता के कारण अत्याचार सहा, कष्ट सहे, अलग अलग प्रकार के विरोध सहा और अपनी जान तक कुर्बान की। प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, उस वक्त खुश हो जाओ और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इस प्रकार से संतों ने जीवन बिताया, इसी वही संतों का जीवन का उदाहरण प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखता है कि हम सभी जहाँ अत्याचार होते हैं, तरह तरह के झूठे दोष हम पर लगते हैं और उस वक्त हम दुखी ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, मायूस ना हो, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा, पुरस्कार प्रदान करेगा। एक दिन इस दुनिया के जीवन के बाद हम भी स्वर्गीय सुख प्राप्त करेंगे। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। प्रभु का संदेश स्वीकार करें, संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगे, ताकि हम भी एक दिन स्वर्गीय सुख प्राप्त करें। जहां संत गण हैं, जहां दूत गण हैं, वहां पर हम भी एक दिन पहुंच जाएं, स्वर्गीय सुख प्राप्त करते हुए हम प्रभु में आनंद मनाएं। वहीं प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी, अपनी दया दिखाएं और अपने वचनों के अनुसार चलने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। सबको जय येशु की, सबको धन्यवाद। सभी संतों का पर्व की शुभकामनाएं मैं सभी लोगों को देना चाहता हूँ। सबको